रणवीर राठौर बात करो मेरे भाई, तो आईपीएल 2023 का 38वां मुकाबला पंजाब वर्सेस लखनऊ के बीच में खेला जाएगा। कौन सी टीम जीतेगी? बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है, कंफ्यूजिंग टॉपिक रहता है, पब्लिक को समझ में नहीं आता कि कौन सी टीम जीतेगी। मैच प्रिडिक्शन से रिलेटेड इस वीडियो में बात करेंगे, टीम भी बताई जाएगी, तो वीडियो को 1 सेकेंड भी मिस मत करिएगा मेरे भाई। उससे पहले आज बात कर ले तो, आज भी हमारी टीम RR पास थी, उससे पहले भी KKR पास थी, और लगातार 7-8 मैच पास चल रहे हैं और सेशन एक भी फेल नहीं जाता है, एक भी नहीं फेल जाता है। आपको मजाक लग रहा होगा तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए मेरे भाई। सेशन किंग अगर मार्केट का कोई है तो वो मैं हूँ, रणवीर राठौर है। आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज्वाइन हो जाइए, और मोबाइल नंबर लिख लीजिए 7 4 2 8 5 2 5 7 6 7। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैच प्रिडिक्शन, सेशन प्रिडिक्शन, मैच से रिकवरी करना है, लॉस में प्रॉफिट में आना है, डेली कमाना है, एंजॉय करना है लाइफ को, परेशान नहीं रहना है, प्रेशर लेके नहीं खेलना, तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लो। नेक्स्ट लेवल काम चल रहा है, लॉस रिकॉर्ड करवा के देना मेरा काम है। बाकी अगर बात करें पंजाब पॉइंट ऑफ व्यू से, तो शिखर धवन की एबिलिटी और टैगेश्वर रवाडा की एबिलिटी अभी भी डाउटफुल है, क्योंकि मैनेजमेंट ने कोई भी जवाब नहीं दिया है खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। मुझे जहाँ तक लगता है कि PVKS चाह रही है अगले साल वो आई करना चाह रही है, कि नए नए प्लेयर्स को चांस दे रही है ताकि एक मजबूत टीम खड़ा कर सके। शिखर धवन का एज हो रहा है और वो अब ज़्यादा दिन खेल नहीं पाएंगे। कैप्टनशिप के भी रोल में एक न्यू प्लेयर को सर्च कर रही है PVKS इन द फॉर्म ऑफ सैम करन। बाकी ओवरऑल टीम काफ़ी ज़बरदस्त है। इस पे मैंने बताया कि कप विनर पे रेट भी 1800 का मिल रहा था, मतलब 10,000 रुपये लगाइए 1,80,000 जीतिए, तो ये टीम ज़बरदस्त है। एक एक प्लेयर इसका परफॉर्म कर रहा है, चाहे ऊपर ले लीजिए मैट शॉट, हरप्रीत सिंह, बाकी सैम करन, शाहरुख खान, जितेश शर्मा अलग फॉर्म में, बॉलिंग डिपार्टमेंट का जहाँ काफ़ी ज़बरदस्त है। रन अगर कल भी खड़ा कर देगी ये टीम तो फिर डिफेंड करा लेगी आराम से मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। क्योंकि हरदीप सिंह फॉर्म में, सैम करन अच्छा बॉलिंग कर रहा है, नेथान लिन रन नहीं दे रहे, हरप्रीत बर्रा, राहुल जब स्पिन डिपार्टमेंट को संभाल रखा है, तो ये अनबीटेबल टीम है। इसको आई करिएगा, ये आपको मोटा रेट देके जाएगी कप विनर में भी। अभी लगाइए फिर ऊपर रेट जाएगा ही जाएगा, जहाँ आपको कम पैसे मिले वहाँ पर कटिंग करके निकल जाइए, मोटा प्रॉफिट है कम पैसे में। LSG का बात करें मेरे भाई, तो ये टीम अप्स एंड डाउन से ऊपर नीचे से बह रही है, चल रही है। इनका प्लेयर फॉर्म जो है, जाके KL राहुल का ले लो, तो उनका अप्स एंड डाउन लगा रहता है। स्लो सर्फेस पे जहाँ बॉल रुक के आता है, जहाँ टाइमिंग को ज़्यादा मिलता है, जहाँ ज़्यादा बॉल खेल सकते हैं, जितना स्लो खेलते हैं उतना ज़्यादा ये रन खड़ा करते हैं। वही इनको अगर फास्ट खेलने के लिए बोल दिया जाए पावर प्ले में, जिसकी वजह से सेशन बहुत सारे पब्लिक KL राहुल को देख के यस करता है और नॉट हो जाता है, क्योंकि इनसे रन लगता नहीं है, इनको टाइम चाहिए होता है। ये हो गए हैं प्योर टेस्ट और वनडे के प्लेयर, ठीक है मेरे भाई। तो इनका फॉर्म भी एक क्वेश्चन मार्क है। बाकी इनके जो प्लेयर्स हैं, इनका मिडिल ऑर्डर पूरा खत्म है। दीपक हुड्डा फॉर्म में बिल्कुल नहीं है, कुणाल पांड्या एक भी रन नहीं लग रहा उनसे भी। बाकी जो नीचे के बैट्समैन हैं, स्टोइनिस और निकोलस पूरन, उनको संभालना पड़ रहा है, लेकिन वो डेप्थ के बैट्समैन हैं, वो कुछ मिडिल ऑर्डर को संभालने वाले बैट्समैन नहीं। हाँ, एक आधा मैच है कि जहाँ ऊपर से परफॉर्म होकर अच्छा है तो फिर वो थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं रन रेट को, और फिर वहाँ पर मैच निकाल सकते हैं। तो मतलब टीम तो दोनों ही अच्छी है, कोई भी टीम किसी भी टीम को कभी भी बीट कर सकती है अपने दिन पे मेरे भाई। बाकी बात करेंगे इसी प्रिडिक्शन वीडियो में, आगे वीडियो में बने रहें। 28 अप्रैल फ्राइडे 7:30 बजे IS बिंद्रा स्टेडियम मोहाली में खेला जाएगा मेरे भाई ये मैच। टेम्परेचर का बात करें तो 31 डिग्री टेम्परेचर चांसेस हो रहे, कल का नहीं है, पहले भी यहाँ पे DLS की वजह से मैच हारा है और बारिश हुआ था, लेकिन कल के मैच में कोई बारिश की संभावना नहीं है इस वेन्यू पे। 31 डिग्री का 31% ह्यूमिडिटी है, तो ड्यू फैक्टर यहाँ पे प्रिवेल नहीं करने वाली, सेकंड बैटर का वैसा कोई एडवांटेज नहीं होने वाला, ध्यान रखिएगा। PVKS की टीम न्यूज का बात करें तो मैंने बताया धवन और रवाडा पे कोई इंजरी अपडेट नहीं है, पॉसिबल चांसेस सेम प्लेइंग कॉम्बिनेशन के साथ जा सकती है PVKS लास्ट मैच वाली। LSG का भी बात करें तो हो सकता है क्विंटन डिकॉक रिप्लेस कर सकते हैं, इस बार काइल मेयर्स को बहुत ज्यादा चांस दे दिया, मेयर्स ने हालांकि अच्छा ही परफॉर्म किया, थोड़ा सा क्विंटन डिकॉक को भी चांस दे सकती है LSG की टीम। पिच में बात करेंगे तो बैटिंग फ्रेंडली पिच है यहाँ पे, अगर बात करें अभी तक 3 मैच हुआ है, 3 में से अगर जो हाई स्कोर लग जाता है 180-190 का टारगेट, क्योंकि ये डायमेंशन वाइज वेन्यू बहुत बड़ा है और यहाँ पे एक अच्छा टोटल 80-90 का लग जाता है, तो उसको थोड़ा चेंज करना डिफिकल्ट होता है, थोड़ा प्रेशर आ जाता है डायमेंशन के बड़े होने की वजह से। बाकी यहाँ पे अगर बात करें तो 59 मैच हुआ, 26 बार फर्स्ट बैट, 33 बार सेकंड बैट, 166 का एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है। हाईस्ट स्कोर 240 पे 5 CSK का और DC का है, 60 पे 10 लोएस्ट स्कोर का। बिलो 150 12 बार लगा है, 152-160 16 बार, 172-189 22 बार, और एबव 190 9 बार लगा है मेरे भाई। बाकी हेड टू हेड में बात कर लेते हैं तो 2 मैच हुआ है, एक बार PVKS एक बार LSG जीती है, यहाँ पे चेस करके जीती थी PVKS और ये डिफेंड करा के जीती है मेरे भाई। और इस वेन्यू पे एक भी मैच अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि ज़्यादा मैचेस हुए ही नहीं इन दोनों के बीच। दोनों के रिसेंट फॉर्म का बात करें तो लास्ट मैच जीत के आ रही है PVKS, लॉस है, विन है, लॉस है, लॉस है, तो 2 मैच जीती है लास्ट 5 में से। वही LSG का लॉस है लास्ट मैच, विन है, लॉस है, विन है, विन है, तो ये यहाँ पे 3 मैच जीत के आ रही है। बाकी दोनों का फॉर्म ऑलमोस्ट सिमिलर चल रहा है,
बाकी आगे बात करते हैं प्लेयर मैचअप में, किस प्लेयर किस टीम का फलड़ा भारी हो सकता है, कौन सी टीम स्टैट्स वाइज जीतने के हकदार है। अभी यहाँ तक अगर बात करें, बहुत इंटरेस्टिंग आईपीएल चल रहा है 2023 का, 37 मैच हुआ जिसमें से 22 बार फर्स्ट बैट और 15 बार सेकंड बैट, लास्ट 8 मुकाबला से मेरे भाई फर्स्ट बैट जीत रही है। यहाँ पे चेंज चल रहा है फर्स्ट बैट का, ध्यान रखिएगा, और हमारा मैच लगातार में पास भी हो रहा है इसी तरह से। बात करेंगे अभी तक जो इस वेन्यू पे 3 मैच हुआ है, यहाँ मोहाली में मैच खेला जाएगा, 2 बार फर्स्ट बैट और 1 बार सेकंड बैट करके टीम जीती है। लेकिन अगर बात करेंगे दोनों टीम की तरफ से, तो पीवीकेएस का आप देख सकते हैं यहाँ पे मैट शॉट और केएल राहुल, जो भी प्लेयर का प्लेयर मैचअप में एक दूसरे के खिलाफ कंपेयर किया जाएगा, अच्छा स्टैट्स निकल के आ रहा है, साल अच्छा परफॉर्म करे तो मैं उसको एक डॉट से इंडिकेट कर दूंगा, मतलब वो प्लेयर ज्यादा बेटर परफॉर्मिंग है देन अदर। केएल राहुल और मैट शॉट में बात करें तो केएल राहुल ऑब्वियसली नो डाउट, प्रॉप सिमरन सिंह और पैलमियर्स में प्रॉप सिमरन सिंह का अच्छा फॉर्म दिख रहा है, अथर्वा टाइडे और कुणाल पांड्या अथर्वा टाइडे, बाकी अगर लियम लिविंगस्टन और निकोलस पूरन तो निकोलस पूरन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सैम करन आयुष गर्गनी सैम करन नितेश शर्मा मार्कस स्टोइनिस नितेश शर्मा नो डाउट बहुत अच्छे फॉर्म है, शाहरुख खान दीपक हुड्डा एकदम आउट ऑफ फॉर्म है, हरप्रीत बरबाद और बिश्नोई का बात करेंगे तो यहाँ पे बिश्नोई ऑब्वियसली अच्छे परफॉर्मिंग दिख रहे हैं, राहुल चौर और अमित मिश्रा तो राहुल चौर के साथ जाना चाहूंगा, इकोनॉमिकल रहे हैं, नेथन एलिस और नवीन उलहक तो यहाँ पे नवीन उलहक ज्यादा अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं, अर्जदीप सिंह और आवेश खान में बात करेंगे तो अर्जदीप सिंह 1 2 3 4 5 6 7 प्लेयर्स पीवीकेएस के, 1 2 3 4 प्लेयर एलएसजी के, तो पीवीकेएस अकॉर्डिंग टू द स्टैट्स बेटर टीम टू बीट एलएसजी, बट ये स्टैट्स है मेरे भाई, मैच रिकॉर्ड जो है वो आता है 7-4-2-8-5-2-5-7-6-7 पे, 7-25 पे आ जाता है और बखूबी आ रहा है, नेक्स्ट लेवल आ रहा है कंसिस्टेंसी, 7-8 मैच पे लगातार मैच पास चल रहा है, सेशन बहुत जबरदस्त आ रहा है, एक भी फेल नहीं आ रहा, जाइए पहले काम देखिए मेरे भाई टेलीग्राम चैनल पे, यकीन ना हो तो फिर ज्वाइन मत होइएगा, डेमो हफ्ते में 3 से 4 मैच आता है फ्री में, और मेरे भाई हर मैच में 2 सेशन मैं फ्री में देता हूँ और पास ही चल रहे हैं, ठीक है जाइए एक बार काम का फायदा उठाइए, लॉस क्लियर करना है तो कॉन्टैक्ट करिए। की प्लेयर से बात करें पीवी के से तो मैथ्यू शॉट लिविंगस्टोन सैम करन नेथन एलिस और जैसे ये सभी परफॉर्मिंग प्लेयर हैं, इन्हीं को प्ले करना है जूनियर टीम में, इन्हीं प्लेयर्स को लेकर जूनियर टीम जो आगे बनाएंगे वो आपको दिखाता हूँ, बाकी केएल राहुल इधर से रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर कुणाल पांड्या माता विश्वर और अमित मिश्रा, अब इन्हीं प्लेयर्स को लेते जो मैंने आपके लिए जूनियर टीम बनाई है मेरे भाई, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, विकेट कीपर ऑप्शन में पूरन और जितेश शर्मा को मैं पिक कर रहा हूँ, बैटिंग वाले में बात करेंगे मेरे भाई तो यहाँ पे केएल राहुल और अथर्वा टाइडे को पिक कर रहा हूँ, बाकी यहाँ पे हरप्रीत सिंह एक अच्छा ऑप्शन है जो कि इन फॉर्म है थोड़ा बहुत, ऑलराउंडर में बात करें तो लिविंगस्टोन सैम करन मार्कस स्टोइनिस अलोंग विद मैथ्यू शॉट को पिक कर रहा हूँ, एक यहाँ पे काइल मेयर्स के अच्छे ऑप्शन है अगर ये खेलते हैं तो, बोलिंग डिपार्टमेंट में बात करेंगे तो अर्जित सिंह के साथ रवि बिश्नोई और नवीन उलहक को पिक कर रहा हूँ, अदर ऑप्शन आपके पास राहुल चहर और नेथन एलिस के ठीक ठाक ऑप्शन है, हेड टू हेड में बात करेंगे तो केएल राहुल कैप्टन और वाइस कैप्टन यहाँ पे सैम करन को बनाना चाहूंगा हेड टू हेड में, अदर ऑप्शन आपके पास मेरे भाई जितेश शर्मा अच्छे फॉर्म में है, मैट शॉट के साथ भी जा सकते हैं, लिविंगस्टोन का कैप्टन ट्राई कर सकते हैं इन ग्रैंड लीग, तो ये रही ड्रीम इलेवन टीम दोस्तों, आप यहाँ पे प्रीव्यू ले सकते हो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करना मत जाइएगा, रिपोर्ट तो कॉन्टैक्ट करिएगा 7-4-2-8-5-2-5-7-6-7 पे, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डेमो में आएगा जाइए ज्वाइन हो जाइए, और काम रिकवर करवाए कोई दे सकता है तो यही नंबर दे सकता है, चलिए अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिएगा।